नमः शिवाय। आश्विन मास शुक्ल पक्ष बृहस्पतिवार नवमी तिथि दोपहर 3:30 बजे तक लगी रहेगी, तत्पश्चात दशमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। चंद्रमा श्रवण नक्षत्र में पूरे दिन चलते रहेंगे, जिसके नक्षत्र स्वामी स्वयं चंद्रमा ही हैं। आज के जन्मे जातक सुंदर, सर्वगुण संपन्न, धनी और प्रसिद्धि पाने वाले होते हैं। ये हंसमुख, विनोदी स्वभाव वाले, हास्य प्रिय, सत्यवादी, प्रत्येक कार्यों में काफ़ी सोच विचार कर काम करने वाले, धार्मिक कार्यों में रुचि रखने वाले और उच्च अभिलाषी होते हैं। यदि सहयोगी लग्न रहा, शनि और चंद्रमा की स्थिति अनुकूल रही तो पूर्ण सफल होंगे। चंद्रमा आज भी पूरे दिन मकर राशि में ही चलते रहेंगे, जिसके राशि स्वामी शनि देव हैं। आज भी चंद्रमा की युति मंगल और केतु के साथ बनी रहेगी, मगर नक्षत्र खुद चंद्रमा का होगा, जिससे आर्थिक मामलों में सहयोग मिलेगा। रचनात्मक क्रियाशीलता बनी रहेगी और हर काम उत्साह और दृढ़ विश्वास से संपन्न करेंगे। सामाजिक कार्यों में व्यस्तता बनी रहेगी, मगर पारिवारिक तालमेल और स्वास्थ्य संबंधी जटिलताओं पर सावधानी रखनी चाहिए। सूर्य कन्या राशि से तुला राशि में कल शाम 7:30 बजे प्रवेश कर चुके हैं। यह सूर्य की नीच राशि है। अब सूर्य की युति बुध और शुक्र के साथ कुछ दिनों तक बनी रहेगी, जिससे कुछ जातकों के मांगलिक कार्यों में अवरोध, प्रणय संबंधों में कटुता और विवाह आदि कार्यों में उलझनों का संकेत मिलता है। हालांकि कुछ जातकों के सरकारी कामकाज पूरे होंगे, प्रशासनिक सहयोग जारी रहेगा और विभागीय प्रोन्नति का अंदेशा बनता है। मेष राशि के जातकों के लिए चंद्रमा मकर राशि में केतु और मंगल के साथ 10वें घर में चल रहे हैं। कार्य योजनाएं विकसित होंगी, नई क्रियाशीलता की प्रेरणा मिलती रहेगी और काम करने का केंद्र बिंदु निर्धारित योजनाओं को विकसित करना रहेगा। साझेदारी लाभदायक रहेगी, आर्थिक पक्ष सामान्य रहेगा, सरकारी कामकाज पूरे होंगे, घर गृहस्थी और माता के संबंधों में सुधार संभावित है, घरेलू मामलों में सहयोग मिलता रहेगा, व्यावसायिक विवाद में सावधानी रखनी चाहिए और कार्यक्षेत्र से संबंधित यात्रा का योग बनता है, अध्ययन अध्यापन में सहयोग मिलेगा और वैवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। वृष राशि के जातकों के लिए पराक्रम बढ़ा रहेगा, काम करने के प्रति पहल में कमी महसूस होगी, कर्तव्य निष्ठा बनी रहेगी, मगर आलस्य और मानसिक अस्थिरता लगी रहेगी। हालांकि बौद्धिक क्षमता का विकास होगा और अधिकतम कार्य योजनाओं की रूपरेखा सफल रहेगी, नई कार्य योजनाओं में लाभ और साझेदारी में सफलता प्राप्त होगी, साथ ही रुके हुए सरकारी कामकाज पूरे होंगे, विरोधियों से सावधानी अपेक्षित है, मन किसी अज्ञात भय से ग्रस्त रहेगा, पिता के स्वास्थ्य की चिंता लगी रहेगी, मगर व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा में लाभ मिलेगा, शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी और स्वास्थ्य संबंधी सावधानी अपेक्षित है। मिथुन राशि के जातकों को आर्थिक क्षेत्र में सावधानी अपेक्षित है और निर्णय लेने की क्षमता में उतार चढ़ाव संभावित है। हालांकि व्यावसायिक उद्देश्यों की पूर्ति और आर्थिक लाभ के प्रति सकारात्मक प्रेरणा मिलती रहेगी और संबंधित मामलों में छोटी यात्राएं भी संभावित हैं। अनावश्यक चिंता और मानसिक दबाव भी महसूस हो सकता है। हालांकि सकारात्मक ऊर्जा स्तर और आत्मविश्वास कायम रहेगा, जो कि आपकी व्यावसायिक सफलता के लिए महत्वपूर्ण होगा। शिक्षा प्रतियोगिता के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा, साझेदारी के कामों में लाभ संभव है, साथ ही स्वास्थ्य संबंधी मामलों में सुधार होगा, मगर चोट चपेट लगने का अंदेशा बनता है। कर्क राशि के जातकों की मानसिक सक्रियता बनी रहेगी, कार्य क्षेत्र में उत्साह और विकास की प्रवृत्ति बनी रहेगी, आर्थिक लाभ मन मुताबिक होगा, निजी निवेश लाभदायक रहेगा, रुके हुए सरकारी कामकाज संपन्न होंगे, मगर खर्च की स्थिति भी संभावित है, कार्य योजनाएं आपके अनुरूप चलती रहेंगी और विरोधियों की साजिश नाकाम होगी, मगर निजी संबंधों में उतार चढ़ाव और स्वास्थ्य संबंधी जटिलताएँ संभावित हैं, विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल है, शासन सत्ता व अधिकारियों का सहयोग बना रहेगा, कार्य की अधिकता लगी रहेगी और वैवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। सिंह राशि के जातकों के लिए मन में नकारात्मक विचारों का उठना, कामों में रुकावट, धन खर्च और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का संकेत मिलता है, उत्साह में कमी बनी रहेगी, मगर पारिवारिक सहयोग और सकारात्मक प्रेरणा जारी रहेगी, कार्य क्षेत्र में उतार चढ़ाव संभावित है और आर्थिक लाभ सामान्य रहेगा, शासन सत्ता व विभागीय कर्मचारियों का सहयोग मिलता रहेगा, संतान संबंधी चिंता बनी रहेगी, शिक्षा प्रतियोगिता में प्रयास जारी रखें, स्वास्थ्य संबंधी आवश्यक सावधानी बनाए रखें, मौसम संबंधी होने वाले संक्रमण से सावधानी बनाए रखें।
कन्या राशि के जातकों के लिए आर्थिक लाभ के नए अवसर सामने आएंगे। कार्य क्षेत्र में विकास और सरकारी सहयोग कायम रहेगा। बौद्धिक क्षमता का विकास होगा और बुद्धि कौशल का इस्तेमाल हर क्षेत्र में लाभदायक रहेगा। पहले से चली आ रही स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों में कमी आएगी। हर काम में प्रबल आत्मविश्वास और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी। हालांकि सरकारी सहयोग भी बना रहेगा और अधिकतम काम पूरे होंगे। साझेदारी के प्रस्ताव लाभदायक रहेंगे। अध्ययन अध्यापन में सफलता मिलेगी और वैवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। तुला राशि के जातकों के लिए कार्य क्षेत्र की अनावश्यक रुकावटें खत्म होंगी। निजी निवेश के लिए समय अनुकूल रहेगा और घर गृहस्थी पर खर्च संभव है। भूमि वाहन या प्रॉपर्टी संबंधी मामलों में निवेश हो सकता है। चंद्रमा के नक्षत्र का फल आपके लिए लाभदायक रहेगा, मगर चंद्रमा के केतु के साथ होने से अनावश्यक घबराहट, बेचैनी, निर्णय लेने की क्षमता और आत्मसंतुष्टि में उतार चढ़ाव संभावित है। विद्यार्थियों को अध्ययन अध्यापन में सफलता मिलेगी। आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा। सरकारी कामकाज पूरे होंगे और वैवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। वृश्चिक राशि के जातकों के भाग्यवश काम अच्छे होंगे। चंद्रमा के अपने नक्षत्र में चलने से रुके हुए काम संपन्न होंगे और विवादित मामलों में सफलता का संकेत मिलता है। आर्थिक लाभ अच्छा रहेगा। अच्छे कामों में खर्च की स्थिति भी बनी रहेगी। सरकारी कामकाज पूरे होंगे, मगर शंकाओं का दौर भी जारी रहेगा, जो कि सकारात्मक पहल को प्रभावित करने का काम करेगा। हालांकि कार्य क्षेत्र की मजबूती बनी रहेगी और पारिवारिक दायित्व की पूर्ति में आ रही रुकावटें खत्म होंगी। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता संभावित है। प्रयास जारी रखें और वैवाहिक मामले फलीभूत होंगे। धनु राशि के जातकों के लिए वाणी पर नियंत्रण और आर्थिक लेन देन में सावधानी अपेक्षित है। व्यावसायिक उद्देश्य पूरे होंगे और सहयोग बना रहेगा। महत्वपूर्ण निर्णय सोच समझकर और धैर्यपूर्वक लेना चाहिए। रचनात्मक प्रयासों में देरी, पारिवारिक मधुरता में कमी और मानसिक दबाव भी बना रहेगा। हालांकि साझेदारी के कामों में लाभ मिलेगा और सरकारी कामकाज पूरे होंगे। विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल है। सकारात्मक प्रेरणा जारी रहेगी। वैवाहिक प्रयास फलीभूत होंगे, मगर स्वास्थ्य संबंधी सावधानी अपेक्षित है। मकर राशि के जातकों के लिए मानसिक क्रियाशीलता बनी रहेगी। रचनात्मक प्रयास सार्थक होंगे। सरकारी कामकाज में सहयोग मिलेगा। प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलेगा और पारिवारिक सहयोग कार्य क्षेत्र को विकसित करने में सहायक होंगे। अति उत्साहित महसूस करें, मगर स्वयं के स्वास्थ्य पर सावधानी अपेक्षित है। शासन सत्ता व अधिकारियों के साथ ही विभागीय सहयोग भी बना रहेगा और मेहनत करने की प्रवृत्ति कायम रहेगी। आर्थिक लाभ से अधिक खर्च की स्थिति संभावित है। विद्यार्थियों को अध्ययन अध्यापन में मेहनत करनी पड़ेगी और वैवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए अनावश्यक खर्च और गृहोपयोगी वस्तुओं में निवेश की स्थिति बनी रहेगी। व्यावसायिक योजनाओं में और संसाधनों में भी खर्च संभावित है। संबंधित मामलों में यात्रा का योग भी बनता है। हालांकि आर्थिक मामलों में सहयोग मिलता रहेगा और संसाधनों में वृद्धि होगी, मगर विरोधियों से सावधान रहें, साजिश के शिकार हो सकते हैं। वाद विवाद से संबंधित मामलों में सावधानी अपेक्षित है। अध्ययन अध्यापन के लिए समय अनुकूल रहेगा। संतान संबंधी चिंता बनी रहेगी। स्वास्थ्य पर सावधानी अपेक्षित है और वाहन सावधानी से चलाएं। मीन राशि के जातकों के कार्य क्षेत्र में विस्तार होगा। आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा। आय संबंधी मामलों में सहयोग मिलता रहेगा। रचनात्मक सक्रियता बनी रहेगी, मगर आपके आत्मविश्वास में उतार चढ़ाव संभावित है। कार्य योजनाएं सुचारू ढंग से चलती रहेंगी। साझेदारी के नए प्रस्ताव सामने आएंगे, जिसमें पारिवारिक प्रेरणा और सहयोग लाभदायक रहेगा। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी और संतान संबंधी चिंताओं में कमी आएगी। वैवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। पारिवारिक दायित्व की पूर्ति होगी और हर्ष की स्थिति बनी रहेगी। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। ओम नमः शिवाय।